हेडिंग डालो आज का, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में कैसे अप्लाई होगा, इससे हम डिफरेंशिएशन से हम क्या पता कर सकते हैं, क्या कमेंट कर सकते हैं किसी चीज के, किसी फंक्शन के बारे में, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके बच्चों, पहला जो कि हम लोग काइनेमेटिक्स में फिर से डिस्कस करेंगे यही चीज, तुम लोग 10th क्लास में पढ़ोगे या 9th क्लास में, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। हालांकि हम लोग फिर से काइनेमेटिक्स में यही सारी चीज पढ़ेंगे, बट अभी शॉर्ट में सिर्फ बताता हूं कि क्या करने वाले हैं आगे। सो अगर सपोज एस को डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, किसके साथ, टाइम के साथ, उसी को डिफाइन किया गया वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज को तो हम ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी होगा वो उस मोमेंट का वेलोसिटी होगा, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोलते हैं, मतलब वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है वो हम लोग काइनेमेटिक्स में डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या कभी कभी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर। पोजिशन मतलब किसी पॉइंट से डिस्टेंस में लेकर कैसे चेंज हो रहा है, तो आर से भी डिनोट करते हैं पोजिशन को, तो डी आर बाई डी टी भी कर देते हैं। अगर पार्टिकल सपोज एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहा है, सपोज कभी यहां पे पार्टिकल, फिर यहां पे, फिर यहां पे, सपोज एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसका, एक्स डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर रहा है, तो उसके पोजिशंस को कभी एक्स से भी डिनोट करते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखेंगे dx by dt, x is the positions, तो कहीं पे ऐसे s रहेगा, r रहेगा, x रहेगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, that is called velocity, rate of change of displacement। अच्छा बच्चों मुझे बताना, मैं double differentiation पढ़ाया था क्या last lecture में? नहीं सर। अच्छा नहीं पढ़ाया था? नो। ठीक है ठीक है, मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। चलो अभी तो ये लिख लो, अब स्टार्ट किया तो लिख लो, डबल डिफरेंशिएशन मैं अभी बीच में बता दूंगा, है ना। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन ये है बच्चों। अब सवाल कैसे आएगा, एग्जांपल कहेगा ए पार्टिकल इज मूविंग ऐसे सवाल रहेंगे, ऐसे ढेर सारे, ये सोचो नीट का सवाल है, नीट में ये सवाल आ सकता है कि पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है। अगर मैं किसी से छोटा सा सवाल पूछूं
कि बताओ t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कितना है, तो सारे बच्चे बता देंगे जीरो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू फाइव। मैं पूछूंगा t इज इक्वल टू वन सेकेंड पे, t इज इक्वल टू वन सेकेंड पे पार्टिकल का क्या x कोऑर्डिनेट है, तो भी बता दोगे। कौन बताएगा पल्लवी? फोर। मतलब पहले फाइव था फोर था, मतलब वो पार्टिकल आगे गया है या पीछे आया है? वन सेकेंड में प्लीज रिपीट। अच्छा नेटवर्क तो गड़बड़ है तुम्हारे तरफ, चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज अगर जा रही है मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। तो बच्चों हमने अभी बोला कि किसी भी टाइम पे अगर पार्टिकल का पोजीशन पूछे तब तो ये बता दोगे, बट तब सवाल ये आता है पूछेगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सवाल ये रहेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। तुम लोग भी लिखो बच्चों। तो अभी हमने क्या देखा, वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, दैट मीन्स डी वाई बाय डी टी ऑफ और बच्चों मेडिकल में ना इसी लेवल का डिफरेंशिएशन आता है सिर्फ, बताओ ऐसा ही बताओ ये कर सकते हो कि नहीं, जितना मैंने पढ़ाया हो बताओ कि ये बहुत आसान लग रहा होगा कि नहीं। प्रीशा बताना नीट में ऐसा ही आएगा क्या, कंफर्टेबल हो इसको करने में? 40 माइनस 4 ये हो गया। तो ये बच्चों हो गया वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। अब किसी से मैं पूछूं, ये बच्चों वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, मैं पूछूं वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये नीट में सवाल आएगा वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये जेई मेन में सवाल आ सकता है। t इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, व्हाट इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू जीरो, माइनस फोर, माइनस साइन बताता है कि पीछे जा रहा है। व्हाट इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू टू सेकेंड, t इज इक्वल टू पुट कर दोगे, एट माइनस फोर प्लस फोर, मतलब कुछ देर बाद आगे जाने लगा। मैं पूछूं कि पार्टिकल रेस्ट में आया उसका वेलोसिटी जीरो हुआ किसी टाइम पे, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी बिकम्स जीरो, इतना इसको जीरो कर दो, ऐसे सवाल आते हैं। और एक दो ने बहुत सारे ऐसे सवाल नीट में आते हैं इस लेवल के, काइनेमेटिक्स जो इस टाइप का जो यूज आएगा एप्लीकेशन आएगा ये काइनेमेटिक्स में हम लोग और पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। सो एक फील आ रहा है, तो नाउ यू शुड थिंक कि जो हमने अभी तक पढ़ा है, अभी तो बस स्टार्ट किया है, फिजिक्स में तो गए ही नहीं अभी तक, बट स्टिल वी आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ नीट लेवल, प्रॉब्लम्स ऑफ जेई मेन लेवल, जेई एडवांस लेवल के लिए तो थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। सो आई होप कि ये पूरा सवाल क्लियर है, किसी को दिक्कत तो बताओ। एनीवन? दिया, चलो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि सबको क्लियर है।
अब कुछ बच्चों ने ये भी पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं लोकेश? लोकेश बताओ, पढ़े हो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है उसको कुछ नाम दिया गया है? इसको एक्सलरेशन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, लोकेशा ने बताया, जानवी ने बताया, तनिष्का ने बताया, बहुत बढ़िया। एक्सलरेशन मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। तो एग्जैक्टली एक्सलरेशन को ए से डिनोट करते हैं मोस्टली। तो ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डिफरेंशिएशन फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, है ना। अगर मैं दे दूं कि v इज इक्वल टू, देखो रश्मि को अभी नींद खुली है लगता है, v इज इक्वल टू सपोज t स्क्वायर माइनस टू प्लस टू दे दिया v इक्वल, क्या मैं एक्सलेशन निकाल सकता हूं किसी टाइम पे? 2t. अब जिस टाइम पे मैं पूछू उस टाइम पे एक्सेसर निकाल लोगे, है ना बच्चों? अब सुनना, अगर मैं कहूं कि किसी पार्टिकल का पोजीशन पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल म्यूट कर लो रुद्राक्ष रश्मि, और कैसे तुम लोग कहाँ बैठे रहते हो यार, बातचीत करते रहते हो घर में। सारे बच्चे सुन लिए क्या बात कर रहे थे तुम लोग? पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम गिवन एज जस्ट आर इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस टू। है ना, ऐसे लेते टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस टू। Fine. मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं और मैं कुछ कुछ बच्चों से पूछूंगा, कुछ मैसेज आया है, एक सेकंड में देख लेता हूं। मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं और जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा, बच्चे सारे सॉल्व करेंगे। फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। दूसरा सवाल, फाइंड velocity at t equal to 2 second। तीसरा सवाल, find find acceleration at t equal to at any time t। चौथा सवाल, find acceleration at t equal to 1 second। पांचवा सवाल, find acceleration at the moment its velocity is 0। ये पांच सवाल है, है ना, और पांच बच्चों का मैं नाम लिखता हूं, उनसे मैं पूछूंगा। सर वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन ओके द डैश। अच्छा अच्छा, ये फिर से वेदांत ने कहा सर क्लियर लिखना, मैं लिखा नहीं। एक्चुअली बच्चों
कोशिश करो तुम लोग ना लैपटॉप पे क्लास लेक्चर्स देखो, मोबाइल पे मत देखो, मोबाइल तो बहुत छोटा स्क्रीन है, घर पे लैपटॉप है तो लैपटॉप पे देखो, और अगर लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, टैबलेट भी नहीं है, तब तो फिर मजबूरी में मोबाइल पे देखो। फाइंड द मूवमेंट गिव, फाइंड एक्सलेशन एट द मोमेंट, एम ओ एम ई एन टी, at the moment its velocity becomes zero, v is equal to dr upon dt, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, 6t square minus 60, है ना? फिर पूछा फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाय dt, थर्ड सवाल सॉल्व कर रहा हूं, सो a इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करना है, 12t माइनस 6। फोर्थ सवाल हमने पूछा फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 पुट कर दोगे, ए एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड 12 माइनस 6, ओके, सो आंसर इज 6। शायद यूनिट भी पता है तुम लोगों को, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। And fifth and the most important, NEET का tough सवाल, NEET का आसान नहीं, tough सवाल, find acceleration at the moment its velocity becomes zero, so देखना बच्चों ये velocity zero कब कब होगा, किस किस moment पे velocity zero है, तो velocity zero है t is equal to zero पे as well as t is equal to one पे, this quantity will be zero at t minus 1 is equal to zero या t is equal to zero, zero put कर दोगे तब भी, t 1 put कर दोगे तब भी, तो acceleration का दो value होगा, t is equal to zero पे acceleration आ जाएगा minus 6 और t is equal to 1 second पे आ जाएगा plus 6। देखो बच्चों ये हो गया JE advanced का सवाल, multiple answer correct, एक ऑप्शन रहेगा 6, एक ऑप्शन रहेगा माइनस 6, दोनों ऑप्शन टिक करना है, क्लियर, इसके दो आंसर हो गए, सो आई होप कि हमने ये समझा दिया बच्चों। नेक्स्ट सवाल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज, x coordinate of a particle is given as this, where t is time, a is constant, t is time, a is constant, find velocity at any time t, find velocity at any time t, क्या करोगे, मुझे पता है v इक्वल टू क्या होता है, dx by dt, और ये तो मैं नहीं निकालूंगा, मैं तो किसी से पूछूंगा, बच्चों यहां से इसका डिफरेंशिएशन ये लिखने आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब तुम मन से नहीं पढ़ रहे हो या तुमने कुछ क्लासेस मिस किए हो।
ठीक है। हालांकि इसको चेन रूल से भी मैंने बताया था कि चेन रूल से करोगे तो दो बार लिखना पड़ेगा, बट एज ए फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने बोला था कि एक्स के जगह पे एक्स प्लस बी का फंक्शन होता है तो वैसा ही करना है, सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देना है। और इसको मैंने चेन रूल में प्रूफ भी किया था। अच्छा राज तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मुझे लगा कि, अच्छा राज नहीं, मैंने तो अभी रोहित से पूछा था वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इसे पुट कर देंगे पाई ए, जैसा फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में, वैल्यू दिया हुआ तो ठीक है, वैल्यू नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं, कॉस 2π/3। अब दिक्कत यहां आएगी, कॉस 2π/3 का वैल्यू क्या है? 120 डिग्री। हाँ 120 डिग्री है ना, बहुत बढ़िया। कॉस 120 डिग्री आता है कि नहीं आता है? तो अभी बोलना तुम्हें अच्छा लगा, बट मैं कहता हूँ पाई में ही अब डील करना शुरू कर दो, पाई में ही। क्या 2π/3 को कोई ऐसे लिख सकता है क्या, पाई माइनस पाई बाई थ्री, इज इट द टू से टू क्वांटिटी आर सेम? देखो थोड़ा सा चेंज करने है, करना है, डिग्री में तो तुम कंफर्टेबल हो ही, पाई में ही कंफर्टेबल होना शुरू कर दो। तो 2π/3 को ऐसे लिखा, और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज, कौन बताएगा, प्रिशा बताएगी, कॉस पाई माइनस थीटा, लेकिन प्रिशा का तो नेटवर्क वहां पे सही नहीं रहता है। ये बच्चों हो जाएगा पाई ए बाई थ्री माइनस कॉस पाई बाई थ्री, माइनस कॉस थीटा होता है, पाई बाई थ्री 60 डिग्री, 1/2, तो कितना हो जाएगा आंसर, माइनस पाई ए बाई 6, कॉस पाई बाई थ्री माइनस हाफ डाल दिया, सॉरी कॉस पाई बाई थ्री हाफ डाल दिया भाई। अब पता है बच्चों ये सवाल जेई मेन में आ सकता है, इनफैक्ट जेई एडवांस में आता है ऐसे सवाल, मतलब तुम्हें 10-20% भी समझ में आ रहा है ना, मतलब राइट ट्रैक पे हो। बच्चों ये नाम से ही पता है कि डबल डिफरेंशिएशन मीन्स दो बार डिफरेंशिएट करना, जैसे अगर ये y है, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कहते हैं dy/dx, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x या फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अगर मैं कहूं कि नहीं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका डिफरेंशिएशन, dy/dx का, y को एक बार किया तो ये आया, y को एक बार और करेंगे तो इसको एक बार और करेंगे, इसको बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन, एक बार और करेंगे तो और लिखेंगे dy/dx ऑफ दिस। तो बच्चों इसको इतना बड़ा लिखने की जगह पे थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखना, ये d और d, d2y/dx2। तो सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इसको ऐसे ही बोलते हैं d2y/dx2, इसका मतलब हुआ y का डबल डिफरेंशिएशन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, d2y/dx2। सिमिलरली अगर कोई कहेगा
तीन बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट। कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, प्रथमेश को आ रहा होगा, सर यहाँ पे आपने डी और डी स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर देना चाहिए था। नहीं, ये मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं बच्चों, इस चीज को ऐसे कन्वेंशन है, ऐसे लिखना है, कन्वेंशन है, इट्स नॉट मल्टीप्लीकेशन, बट सेंस भी बने, कन्वेंशन ऐसे लिया गया कि उस सेंस भी समझ में आए। ये टू है मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, ये थ्री है मतलब तीन बार डिफरेंशिएशन। अगर चार बार का डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे तो शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैं कहूं nth डेरिवेटिव, nth n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी एन एक्स वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, nth डेरिवेटिव। तो क्या करना है, इसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है कि डबल का ये कर लेंगे, ट्रिपल का ये कर लेंगे, क्या करेंगे हमें स्टेप वाइज करना पड़ेगा। कुछ केसेस में रेडीमेड फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है, बट हमें जो करना है वो कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, एक एक करके डिफ्रेंशिएट करना। ओके, सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना, तो सबसे पहले हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 4x क्यूब प्लस 2। अब अगर कहेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है एग्जैक्टली, तो ये है डी अपॉन डी एक्स ऑफ मैं हर स्टेप लिख रहा हूं, दैट मीन्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो डी वाई बाई डी एक्स आया 4x क्यूब प्लस 2, दिस इज इक्वल टू वेदांत को शायद दिख रहा होगा, ये हो जाएगा 3 बाहर 4 इंटू 3 12 एक्स स्क्वायर। और जानवी से मैं पूछूंगा कि बताओ जानवी, अगर डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब पूछ दिया जाए तो क्या आंसर होगा। तो बच्चों हमने ये सवाल दिया, ये पूछा डबल डिफरेंशिएशन, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया, और इसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा बोलते हैं, बहुत जगह पे यूज आएगा आगे फिजिक्स में। तो साइन का हो गया कॉस ओमेगा एक्स, बट एक्स का कोफिशियंट ओमेगा है बिकॉज हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करें, एक ओमेगा तो पहले से था और इसको करेंगे तो एक और ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉस का होता है माइनस साइन, सो दिस इज योर रिजल्ट। एक चीज और सुनना कि अभी कुछ देर पहले हमने v इक्वल टू बताया था कुछ ds अपॉन dt, s इज द डिस्प्लेसमेंट, और एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या बताया था, dv बाई dt। तो इसको क्या लिखूं, dy बाई dt ऑफ v, v क्या है एग्जैक्टली, ds बाई dt, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब एक्सलेशन को हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन है, पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन है, या एक्स कोऑर्डिनेट का डबल डिफरेंशिएशन है। एम आई राइट, यहां तक बच्चों क्लियर। तो बच्चों मैंने यहां पे सवाल दिया, एक जानवी अभी सुनाई दे रही है या नहीं,
सुन पा रहे हो अभी हमें? एक्स इज इक्वल टू ये दिया है, इसको डिफरेंशिएट करना है। कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया है, प्रिया पाटिल ने रिप्लाई किया है, प्रथमेश ने रिप्लाई किया है, रुद्राक्ष ने रिप्लाई किया है। प्रथमेश एक बार और चेक करो, आयुष यादव एक बार और चेक करो, पल्लवी बहुत बढ़िया पल्लवी, सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, dx by dt ही निकालना है। 1 by t का मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, माइनस 1 by t स्क्वायर होता है। बहुत दिन से प्रिशा ने कुछ बताई है, प्रिशा सुनाई दे रहा तुम्हें? प्रिशा तो है ही नहीं, नहीं है। रिया एप्लीकेशंस पार्ट पे वापस आ रहा हूँ। डबल पहला तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब निकाल सकते हैं, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, फिजिक्स में, इसी के लिए तो मैंने ये चैप्टर लिया है। तो पिछला जो था उसमें परेशान मत होना, हम तो वही पढ़ेंगे दोबारा और डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा जो सीखना है, जिसकी जरूरत पूरे फिजिक्स में आगे पढ़ सकती है, जो हमने स्टार्टिंग में समझाया था कि dy / dx क्या होता है, वो बताता है स्लोप, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और बच्चों मैंने एक स्टार्टिंग में ही बताया था, हिंट दिया था कि कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन एक होता है और एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, बहुत ब्रिलियंट हो, ये तो जवाब दे ही दोगे कि y वर्सेस x ग्राफ पहला भी है दूसरा भी है, इन विच ग्राफ y इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। फर्स्ट फर्स्ट रोहित फर्स्ट फर्स्ट बहुत बढ़िया रोहित, रोहित बताया। अब क्या करते हैं, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम रिलेट करते हैं dy / dx से। मतलब यहां पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट का x एक्सिस एंगल थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब टैन थीटा पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां पे dy / dx पॉजिटिव है, जो मैंने लिखा क्लियर है। इस पर्टिकुलर ग्राफ में स्लोप एक्यूट एंगल बना रहा है टेंजेंट, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब dy / dx पॉजिटिव है। व्हाट अबाउट दिस ग्राफ, इसमें किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज x एक्सिस, एंगल इज ऑब्टूस एंगल है, ऑब्टूस एंगल है, इसलिए tan थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब dy / dx नेगेटिव है। क्या तुम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो अपने नोट? यस, मैसेज बहुत सारे हैं, यस। सो अब हम लोग इसमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, देखना कंक्लूजन। Conclusion is, if dy / dx is positive, y is
increasing function of x. या उल्टा भी कर सकते हैं, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. इफ y इज इंक्रीजिंग देन dy by dx फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी पॉजिटिव. ओके, अगर हम लोग कहें कि अगर dy अपॉन dx इज निगेटिव, देखो यहां पे निगेटिव है, y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है x के साथ, जब x इंक्रीज हो रहा है तो कहेंगे y इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x. बच्चों ये मैंने लिखा हुआ शायद बहुत क्लियर नहीं दिख रहा हो, मैंने जो बोला वो समझ जाओ, सुन लो. y वर्सेस x ग्राफ एक या फर्स्ट केस, एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं y वर्सेस x. ये सेकेंड, y वर्सेस x थर्ड ग्राफ, ये शायद लिखा हुआ नहीं दिखा हो, थर्ड नंबर दिया हो. And the fourth one, क्या कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है ग्राफ देख करके? इसमें देखो ये ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ में y increases with x, x इतना है तो y इतना, x यहां पे है तो y इतना, x यहां पे तो y इतना. In second case also y is increasing, मतलब first and second both are increasing function, लेकिन दोनों same नहीं, दोनों का nature थोड़ा different है. है या नहीं बच्चों, नेचर डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं? इज द टू सेम, क्या दोनों का नेचर सेम है? नहीं. फर्स्ट केस में देखो इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन इसका कॉनकेव साइड, ये कॉनकेव साइड है, कॉनकेव साइड ऊपर है, कॉनकेव साइड, और इसका कॉनकेव साइड नीचे है. कॉनकेव मिरर पढ़े होगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. सो कॉनकेविटी इसका कॉनकेविटी ऊपर है, इसका कॉनकेविटी नीचे है. इन द सेम वे यहां देखना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, थर्ड इज डिक्रीजिंग, फोर्थ इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. है ना, दोनों डिक्रीजिंग है, बट इसका कॉनकेविटी ऊपर, इसका कॉनकेविटी नीचे. तो ये कॉनकेविटी कैसे पता चलेगा कि किस केस में ऊपर होगा और किस केस में नीचे होगा? विच फैक्टर विल डिटरमाइन दिस, कैसे हम बता सकते हैं? ओके बच्चों, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा, जिस जो थोड़ा दिमाग लगाएगा उसी को समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा. मैं पहले बता रहा हूं, अदरवाइज तुम सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना, मैं तो समझाऊंगा. सो मुझे, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो?
साइड का वास्ता तो मैं बोलूं हां तन्मय सो हमें ये डिसाइड करना है कि कॉन्केविटी कैसे पता करें सो देखते हैं इसमें dy अपॉन dx का फर्स्ट केस में देखना यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किए यहां का स्लोप ये थीटा वन एंगल है यहां का स्लोप थीटा टू एंगल है यहां का स्लोप थीटा थ्री एंगल है सपोज जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं dy अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव तो है बट इंक्रीज हो रहा है थीटा टू ग्रेटर है थीटा थ्री और ग्रेटर है सो अगर मैं कह सकता हूं कि dy अपॉन dx लेट्स इसको मैं z मान लेता हूं मैं कह सकता हूं क्या कि dy अपॉन dx जैसे जैसे x बढ़ा रहे ये चेंज हो रहा है और ये पॉजिटिव है बट इंक्रीज हो रहा है इसी को मैंने कहा z मतलब z इंक्रीजेज विथ रेस्पेक्ट टू x एम आई क्लियर बच्चों शायद क्लियर होंगे मैं आगे बढ़ता हूं फिर पूछूंगा मतलब मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में कहूंगा कि z इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x मैंने क्या यहां पे ग्राफ को देख के क्या बताया कि z इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x और हमें पता है कि अगर z इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x है तो dz by dx पॉजिटिव होगा लेकिन z कहां किसको है इसको मतलब dy d ऑफ dx dy by dx क्या है पॉजिटिव है और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है हमने इसको एक्सप्लेन किया मुझे पता है कि 10% बच्चों को समझ में आया होगा हार्डली सो इस पर्टिकुलर ग्राफ में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्केविटी अपवर्ड है So conclusion we will draw that if d2y upon dx square is positive, the curve will have concavity upward. इधर देखता हूं इस तरफ Look at this point. इस graph में देखो ये भी angle है theta one. यहां देखो angle कम होते जा रहा है बच्चों यहां पे स्लोप बड़ा है एंगल बड़ा है टैन थीटा बड़ा है कम हो रहा है कम हो रहा है देखना मेरा हाथ यहां पे जो जेड क्वांटिटी है या dy by dx डिक्रीज हो रहा है जेड डिक्रीज हो रहा है जेड इज डिक्रीजिंग फंक्शन dz by dx निगेटिव होगा इसका मतलब d2y upon dx square निगेटिव होगा तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे If d2y by dx square is negative, then concavity it will have concavity downward. In the same case, यहाँ पे देखो dy by dx क्या है? इस केस में देखो dy by dx बच्चों negative है, but इसका concavity upward है. इसका d2y by dx square इस particular graph का positive आएगा. इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखो तो dy by dx भी निगेटिव है डिक्रीजिंग है बच्चों देखो x एक्सिस से एंगल बना रहा है मोर देन 90 सो dy by dx यहां पे निगेटिव और इस पर्टिकुलर ग्राफ में d2y by dx स्क्वायर भी निगेटिव होगा मुझे यहां पे मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करना है मैक्सिमम मिनिमा क्या है So, हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स कुछ देखो पिक्स है यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट सपोज ये x1 पे y का कुछ वैल्यू है कोई भी दूसरा पॉइंट जो x1 के आसपास में है उस पॉइंट पे जो y का वैल्यू है उससे x1 वाले पॉइंट का y का वैल्यू ज्यादा है
इसको बच्चों बोलते हैं लोकल मैक्सिमम. इस पॉइंट एक्स वन के कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेंगे लोकल मैक्सिमम. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स टू सपोज ले लिया, एक्स टू पे जो वाई का वैल्यू है इसके आसपास में जो भी एक्स है उसका वाई का वैल्यू इससे ज्यादा है, ये है मिनिमा. दिस इज मिनिमा और ये मैक्सिमा, लोकल, सारे लोकल मैक्सिमा. सो हमें पढ़ना है वो एग्जैक्टली लोकल मैक्सिमा और मिनिमा. तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में क्या हम कुछ कमेंट कर सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा पे क्या होगा? तुम कहोगे सर जहां मैक्सिमा है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है जीरो, मतलब इसका स्लोप जीरो है, मतलब यहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो. बच्चों यहां भी देखो स्लोप जीरो है, मतलब मिनिमा पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है? जीरो. यहां पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो है. मतलब हमने ये देखा कि जहां भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है उस पॉइंट पे डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स जीरो. तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? फॉर लोकल मैक्सिमम और इवन मिनिमम क्या हो जाएगा बच्चों? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो ये जो सवाल दिया है उसमें निकालना है कि मैक्सिमा और मिनिमा किस पॉइंट्स पे है. मैक्सिमा मिनिमा के डीवाई बाई डी एक्स क्या करोगे? जीरो. ये किया, एक्स का वैल्यू आ गया. नाउ वी हैव टू डिसाइड कि ये एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमा की कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमा. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा. तो कर लेते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल सा है. इसी को इसको मत करो, यही कर लो. भाग की उदय क्या बच्चे का नाम होता है आजकल? एक बच्चा भी ज्वाइन कर रहा है भाग्य उदय, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन है. एनीवे डबल डिफरेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा 12x माइनस 6. अब देखना ये तो आगे किसी भी x पे dy by dx, हमें बताना है कि x इक्वल टू माइनस 1 पे क्या है. तो d2 by upon dx स्क्वायर एट x इक्वल टू माइनस 1, दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट. शायद कुछ बच्चों को नहीं दिखा होगा. x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दो, माइनस 1 हो जाएगा माइनस 18. निगेटिव है मतलब मैक्सिमा है. सो x इज इक्वल टू माइनस 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमा. क्यों? बिकॉज निगेटिव आया. वैसे ही x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, पॉजिटिव आ जाएगा. x इज इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमा. Because d2 by upon dx square at x is equal to 2 is positive. So, बच्चों आज का क्लास यहीं तक.